गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आपको जो आर्मी जीडी एग्ज़ाम जो हुआ था एआरओ नारंगी में असम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 28 अप्रैल 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। सो लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन गिवन। सो इलाजूस ये क्या है, पहला सवाल जो है, नॉन रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न, हु इज़ अ नॉन रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न, मीन्स दैट इज़ नरेंद्र एन डी मोदी। ये एन डी मोदी मतलब जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से नरेंद्र मोदी ऐसे थे जिनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। ये 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। ये 2014 से इन्होंने टेक ओवर किया और ये गुजरात से मतलब 2001 से लेकर 14 तक रहा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वाराणसी बोल सकते हैं। तो अगला सवाल देखें तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड जो है, मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करने वाली जो गोल्ड है दुनिया है, ये चाइना बोल सकते हैं। ये आप इस हिसाब से देखें तो चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद रशिया, उसके बाद यूएसए। इस हिसाब से इंडेक्स के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगला जो है, बाल गंगाधर तिलक जो है कौन सी न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्टअप किया है, तो केसरी जो है मराठी में इन्होंने स्टार्ट किया और मेरा मराठा दर्पण करके अंग्रेज़ी में इन्होंने स्टार्ट किया। केसरी जो है इस हिसाब से मराठी में ये 1881 में इन्होंने स्टार्ट किया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसको कहा जाता है। अगला जो है, सहारा जो डेज़र्ट है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ये सबसे लार्जेस्ट डेज़र्ट कह सकते हैं। सो जिन्होंने सवाल पूछा था वो बिगेस्ट डेज़र्ट कौन सा है पूछा था इन्होंने, सो वो है सहारा। 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर की इसका एरिया है। इंडियन नेवल एकेडमी जो है ये कहाँ पर उपस्थित है, इंडियन नेवल एकेडमी जो है पायनूर एक जगह है कन्नूर के डिस्ट्रिक्ट में, केरल में ये देख सकते हैं। इस हिसाब से ये पूरा एकेडमी जो है बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया बनाया गया है। ये एजिमाला कह सकते हैं जहाँ पे इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जगह है, उस जगह का नाम इंडियन नेवल एकेडमी INS एजिमाला कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, पहला जो वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था, ये कब मतलब कब तक चली थी, 1918 तक ये चली थी, ये किस लिए स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एक फर्दिनांद करके उनको मार दिया गया था इसीलिए वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया था। कबड्डी कोर्ट का जो डायमेंशंस है आप देख सकते हैं, 13x10 मीटर जो है इसका डायमेंशन होते हैं। कुल मिला के इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं और इसके जो डायमीटर ऑफ द बास्केटबॉल जो है मतलब 9.5 से 9.85 रहता है, लेकिन इनके जो डायमेंशन से अलग ही है। अगला देखा जाए, 1 बिलियन जो है कितने की बराबर होता है, 100 करोड़ का बराबर होता है 1 बिलियन का, 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन। तो आप 100 करोड़ देख सकते हैं इस चार्ट में आराम से, आप 1 बिलियन जो है हमें 100 करोड़ की इक्वलेंट होता है। अगला जो है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो है किसका नाम है, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ कहते थे पहले, इनकी जो भाषा है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, और गौतम बुद्धा जो है बुद्धा यानी एनलाइटेड वन इसका मतलब होता है। सो सिद्धार्थ गौतमा कहते थे बचपन में, तो इस हिसाब से इन्होंने सक्यमुनि बुद्धा, सो इसको सक्यमुनि बुद्धा भी कहते थे। सो आप यू कैन गो थ्रू जो भी हमने अंग्रेज़ी में दिया उसको आप आराम से देख सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको पूरा पिक्चराइज पूरा समझ में आ जाएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज एन ऑक्यूपेशन पॉलिसी अप्लाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंटिल 1859। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अप टू 1859 तक इन्होंने फॉलो किए। मेनी इंडियन स्टेट जो है यानी इन्होंने लॉर्ड डलहौजी जो है काफ़ी स्टेट जो है इन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया, इन्होंने हड़प दिया। और जिमी कॉर्नर जो है एक टेनिस खिलाड़ी है, यह आपको बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा है। जिमी कॉनर जो है तो मतलब ग्रेटेस्ट अमॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। 1857 जो है उस टाइम पे वॉर ऑफ इंडियंस के इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन मुगल एम्परर थे, एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर थे, ये लास्ट मुगल एम्परर कह सकते हैं। पहला जो है बाबर है, बहादुर शाह टू भी कहते थे उनको, और इन्होंने अक्टूबर 24th 1775 में इनकी पैदा हुआ था।
इनकी कैलीग्राफी मतलब इनकी जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छी थी, और ये सूफ़ी लैंग्वेज में लिखते थे। तो मेघदूत जो है किताब, ये किसने लिखा था? मेघदूत किताब को कालिदास ने लिखा था। ये मेघदूत जो लिरिक्स है, इस तरह का पोएम जो है कालिदास ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत क्रिटिक्स करके कह सकते हो। सो मेघदूत, रघुवंशम, ये सब जितना भी है किताबें हैं, ये कालिदास ने इनको ने स्वयं लिखा था। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जो है फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन कह सकते हैं। और 1897 उन्होंने इन्हें एस्टैब्लिश किया रामकृष्ण मिशन को। सो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। गांधी जो है असैसिनेट मतलब गांधी को मार दिया गया था, नाथुराम गाडसे जो है गांधी जी को इन्होंने मार दिया था। कौन सा दिन? 30 जनवरी 1948 को इनको शूट कर दिया था उन्होंने। इस हिसाब से आप फोटो भी देख सकते हैं। और WWW का फुल फॉर्म पूछा गया है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब कह सकते हैं इसको। एक वेब है ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आप URL के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। URL यानी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स कह सकते हैं। पाली लैंग्वेज जो है कहाँ देखा जाता है? इस पाली लैंग्वेज जो है बुद्धा स्क्रिप्ट्स में हम लोग देखा जाता है। ये स्क्रिप्चर्स ऑफ थेरवाड़ा बुद्धिज्म कह सकते हैं। इस हिसाब से आप पाली लैंग्वेज आपको याद रखना पड़ेगा। वो एफ सी जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल कह सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे आधारित काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस पे ये काम करता है। ये वो एफ सी केबल जो है आप काफ़ी तेज, और ये टेली कम्युनिकेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स, ये विटामिन ये जो है किसमें ज़्यादा रहता है? विटामिन ये जो है फिश में बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपके आंखें वगैरह बहुत ही सही रहता है। सो रिच कंटेंट कह सकते हो विटामिन, वो है रेटिनॉल जो है मैक्सिमम आपको फिश के अंदर मिल जाता है। अगला जो है एनीमिया जो है डिफिशेंसी, किस लिए डिफिशेंसी मतलब ये एनीमिया रोग आयरन की डिफिशेंसी की वजह से ये रोग फैलता है। ये विटामिन ए की कमी से ये रोग आपको होता है, विटामिन ए एंड रेटिनॉल। एसिड रेन जो है क्यों होता है? एसिड रेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे इसमें देखा जाए तो एसिड रेन जो है केमिकल रिएक्शन दैट बिगेंस विद द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो वो हवा में वो छोड़ता है। दिस सब्सटेंस कैन रेज वेरी हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाता है ऑटोमेटिकली। रिएक्ट मतलब ऑक्सीजन और पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और एसिडिक पोल्यूटेंट्स के हिसाब से ये पूरा एसिड रेन फॉर्म हो जा हो के आप धरती पे गिरता है, और जितने भी कंस्ट्रक्शंस है सब ख़राब हो जाता है। कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। जिस हिसाब से देखा जाए अलग अलग फ्लेवर के साल्ट होते हैं। ये रॉक साल्ट भी है और समटाइम्स कॉमन साल्ट भी कहते हैं। ये अलग अलग कॉमन साल्ट्स हैं। अगला जो है पेंसिलिन जो है किसने डिस्कवर किया था? पेंसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइडेंटिफाई किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस हिसाब से आप देखेंगे सेंट मेरीज हॉस्पिटल में लंदन में इन्होंने 1928 को इन्होंने पेंसिलिन की खोज की गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, ये एक वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है। सो काफ़ी लोग जब मर रहे थे तो ये काफ़ी काम आ गया। इंसुलिन जो है कौन सेक्रेट करता है? इंसुलिन सेक्रेट करने वाली जो है पैंक्रियास कह सकते हो। ये पैंक्रियास जो है पूरे इंसुलिन को सेक्रेट करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट पैंक्रियास मतलब ये इंसुलिन है, जिसकी वजह से ये बीटा सेल्स रिलीज करता है। सो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो है ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय, ब्लड जो है प्योरीफिकेशन जो है किडनी के अंदर होता है। किडनी में एक नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट होता है, जिसकी वजह से ये पूरा क्लीन करता है। जब आइस बॉटल जो है जब फ्रोज हो जाता है पानी, तो उसका जो साइज़ है बॉटल की साइज़ ऐसा बढ़ जाता है, और आखिर में वो फट भी सकता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए जब पानी फ्रीज हो जाता है फ्रोज़न हो जाता है तो उसके वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो अगला जो सवाल है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव नेचर के, न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज नहीं होता। तो इन्होंने जो सवाल पूछा था प्रोटॉन किस हिसाब से
था वो तो प्रोटॉन पॉजिटिव कह सकते हो। अगला जो है ब्रास सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ब्रास सिटी ऑफ इंडिया जो है हम मुरादाबाद को कहते हैं। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के तट पर उपस्थित है और इसीलिए हम उसको अगर देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी फेमस जो है पीतल नगरी भी कह सकते हैं इसको, और इसी को ब्रास सिटी कहते हैं। ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है ये जगह। केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा गया है। केमिकल फार्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सी वो है जो आप देख सकते हैं, इस हिसाब से बॉन्डिंग आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हो, आप देखते जाइएगा। और प्लांट्स और जो पत्ते जो है ग्रीन क्यों रहते हैं? इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ग्रीन होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित रहता है। फिश जो है कैसे ब्रीथ करता है? वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। और जो फिश है इस हिसाब से फेदरी आर्गन फुल ब्लड वेजल्स, ये फिश ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर इन टू इट्स माउथ एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू द गिल पैसेजेस एज वाटर पैसेजेस ओवर द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स डिजॉल्व ऑक्सीजन मूव्स इन टू द ब्लड एंड ट्रेवल्स टू द फिश सेल कह सकते हैं। आपको आराम से जो भी यहाँ पे दिया गया है आप पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। अगला जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रिक करंट जो है एक जो भी फ्लो होता है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो आउट होता है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर करंट कहते ही सेम टाइम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना चाहिए। लैक्टिक एसिड जो है कहाँ उपस्थित रहता है? ये तो मिल्क के अंदर उपस्थित रहता है, ये रिच कंटेंट है आप देख सकते हैं। इस हिसाब से दही और ये कॉटेज चीज़ वगैरह में भी इस तरह के आप देख सकते हो। फर्मेंटेड मिल्क इज़ कोएगुलेटेड बाय लैक्टिक एसिड, जो फर्मेंटेड मिल्क जो है वो एज ए कर्ड कर्ड बन जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से, इसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो कुल मिला के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किया गया है, जो सवाल पूछे गए थे और जो लड़के ने दिया था उस लड़के की वजह से हम लोग आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, तो शायद ये आपको काम आए। तो प्लीज़ आप अपना मतलब शेयर करिए अगर आपके एक्सपीरियंस को कैसा लगा। अगर कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी से कमी है तो आप बताइएगा। प्लीज़ फील फ्री टू कॉल इन माई मोबाइल और आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।